सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं मंजू। ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएन जनरल असेंबली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और सलाहकार इवांका से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों की महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और वर्कफोर्स डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। उत्तर कोरिया की ओर से हाल ही में किए गए परमाणु और मिसाइल परीक्षण के जवाब में अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर 4 स्टेल्थ जेट और 2 बॉम्बर छोड़ाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस बजट $700 बिलियन करने का प्रपोजल रखा है। ये बजट पिछले बजट से 81 बिलियन ज्यादा है। 2003 के बाद बजट में यह सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और दबाव से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि इससे उसके परमाणु कार्यक्रमों को और भी गति मिलेगी। जनेवा के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 36वें सम्मेलन पर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी आतंक की फैक्ट्री को बंद करे, और साथ ही भारत ने पाकिस्तान को यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की ने रोहिंग्या के मामले पर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि हम आलोचनाओं से डरने वाले नहीं हैं, और जो लोग म्यांमार वापस आना चाहते हैं उनके लिए रिफ्यूजी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर ने रोहिंग्या मुसलमानों का जमकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये म्यांमार मुसलमानों का ही बलिदान है जो आज पूरी दुनिया में मुसलमान समाज एकजुट हो गया है। नाइजीरिया के उत्तर पूर्व इलाके में सोमवार को एक आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 43 लोग घायल हो गए। इस हमले के लिए आतंकी समूह बोको हराम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात उद्दावा अगले साल होने वाले चुनाव में हिस्सा लेगा। जमात उद्दावा ने पिछले ही महीने एक नई पार्टी का गठन किया था। चीन ने तिब्बत से होकर नेपाल की सीमा तक जाने वाले एक रणनीतिक राजमार्ग को खोल दिया है, जिसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ग्लोबल न्यूज में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और अब आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। नमस्कार।